नाग नागिन जैसे प्राणी भी जिनके सुनते प्रवचन, निर्धन पा जाते धन, रोग हो जाते छूमंतर, जहाँ पड़ते गुरु की नजर, चाहे कितने ही भयावह हो संकट, गुरु दर्शन करते ही टल जाते झट। करते थे स्वात्म का ध्यान, इसीलिए देव ही रखते इनका ख्याल, होता इन्हें पूर्वाभास, शांत क्षेत्र में करते वास, जिनके नाम जपते ही हो जाते काम, किंतु रहते भी निष्काम। मूक माटी जैसे महाकाव्य के सृजेता, निर्ग्रंथ होकर भी अनेक ग्रंथों के प्रणेता, स्वाधीन जीवन हेतु हथकरघा आदि का उपदेश, भारत के नाम भारतीयों को संदेश, खुलवाई अनेकों गोशालाएं, मसीहा बन आए प्राणी मात्र के मिटाने पीड़ाएं, बह रही शांति दुग्ध धारा, तो सागर में भाग्योदय का सुखद नजारा। समंदर की लहरों को, गगन के तारों को और गुरु के गुणों को गिन पाना संभव नहीं, इसीलिए कर जोर, करते मात्र भी नहीं यही। अभी आपने संगीत में उन गुरु महाराज की संक्षिप्त धारा को देखा, जो हम सबके उद्धार में लगे हैं, सबके संकट हरण कर रहे हैं। कर्नाटक में बेलगांव जिला के सदलगा की ये कथा जब समाप्त हुई तो अंत में दक्षिण बुलावा के साथ हुई। दक्षिणवासी तरस रहे हैं उनको बुलाने के लिए, और हम क्या कर रहे हैं, उनको पाके अपने आप को धन्य मान रहे हैं। अब हम आपके बीच में एक बार पुनः नाटी का प्रारंभ करते हैं। महाराज श्री के आगमन तक वह नाटी का है आपके बीच की, आपकी कथा को लेकर के आ रही है, स्वार्थ का संसार, स्वार्थी धन के लोभ में सेवा करते हैं या नहीं करते, उसी पर आधारित एक नाटिका आ रही है, स्वार्थ का संसार। Thank you.
हाँ चलो कहाँ गए? बोलिए चौबीसों तीर्थंकर भगवान की, बोलिए पंच मुनि राजों की, समस्त मुनि संघ की। प्रतिष्ठाचार्य जी को नमन करते हुए और यहाँ पर विद्वान दीदी इत्यादि बैठी हैं उन सभी को प्रणाम करते हुए और आप सभी को जय जिनेन्द्र कहते हुए इस कथानक को प्रारंभ करता हूँ। कथानक या तो आगम से लिया हुआ होता है या आसपास में कोई घटना घट गई होती है अथवा किसी की कल्पना भी हो सकता है, परंतु कल्पना भी जब ही जन्म लेती है जब कहीं पर कोई आस जगी होती है। ये जो कहानी है शायद वो घर घर से जुड़ी हुई कहानी है, आज के दौर की कहानी है, बस उसे थोड़ा हास्य रूप दे दिया गया है, लेकिन उसका मर्म हर घर से जुड़ा है, मेरे घर से जुड़ा है, आपके घर से जुड़ा है। लेकर चलते हैं उसी कथानक की ओर। हे माँ, सुनाने वाले को सुनाने की शक्ति देना। हे माँ, दिखाने वाले को दिखाने की शक्ति देना। देखने वाले को देखने की शक्ति देना। माँ शक्ति देना। चार घातियां कर्म नाश कर पायो केवल ज्ञान। दर्शन ज्ञान शरण तब धारक ईश्व दिगंबर मुद्रा सो गुरुदेव बसोर मेरे नाश क्रम कृति हो विकार। हे माँ सभी पर कृपा बरसाए रखना। गाए जा गाए जा गाए जा जिन वाणी माँ तू गाए जा। मन गाने लगा गुनगुनाने लगा, मन गाने लगा गुनगुनाने लगा, मेरी नैया है तेरे हवाले। गाए जा गाए जा गाए जा जिन वाणी माँ तू गाए जा। गाए जा गाए जा गाए जा जिन वाणी माँ तू गाए जा। वाणी के ज्ञान दे सूझे लो कालो सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम ढो। गाए जा गाए जा गाए जा जिन वाणी माँ तू गाए जा। गाए जा गाए जा गाए जा जिन वाणी माँ तू गाए जा। स्वार्थ का संसार, कल गीत सुनाया, आज उसी विषय को लेकर यह कथानक यहां पर प्रस्तुत है। पैसा पैसा कहां तक हमें पैसा लेकर चला जा रहा है आज? पैसा जरूरत है लेकिन पैसा भगवान नहीं। और शायद आजकल हम और आप लोगों की जीविका ये हो गई है कि हमने उसी का रास्ता चुन लिया है। आदान प्रदान की वो एक राशि है जिससे हमारी जरूरतें पूरी हो सकती हैं, परंतु उसके बीच में इंसानियत कहीं घुलती जा रही है, रिश्ते कहीं धुलते जा रहे हैं।
सुन लो दुनिया वालों, ये पैसा बड़ा शैतान, इस पैसे के खातिर लूट गए धर्म और ईमान। के पैसा बहुत कमाया, के पैसा काम न आया, के मैंने बहुत कमाया, के पैसा काम न आया। सुन लो दुनिया वालों, ये पैसा बड़ा शैतान, सुन लो दुनिया वालों, ये पैसा बड़ा शैतान, इस पैसे के खातिर लूट गए धर्म और ईमान। के पैसा बहुत कमाया, ये पैसा काम न आया, के मैंने बहुत कमाया, के पैसा काम न आया। कर चलते हैं उस दृश्य की ओर, जहां पर एक पिता हैं और उन्होंने दिन रात मेहनत की, आज उनकी उसी ऑफिस से विदाई है। आइए बाबूजी, आइए बैठिए, हम सभी मिलकर आपका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। समय आज ऐसा आ गया है कि बाबूजी, कोरोना काल में व्यवस्थाएं इसी प्रकार बनानी पड़ रही हैं कि सामूहिक रूप से हम इस विदाई समारोह को करना चाहते थे, परंतु ये विषय वस्तु इस समय ऐसी बनी हुई है कि हम चाहकर भी नहीं कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, उत्सव का दौर ये फिर दोबारा लौट कर आएगा, क्योंकि कहा जाता है कि जब ये दिन नहीं रहे तो वो दिन भी नहीं रहेंगे। इसी प्रकार काल के अनुसार हमें अपना जीवन व्यतीत कर लेना चाहिए और सीख लेना चाहिए। जी बाबूजी, मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार ये पूरा समाज, यहाँ के लोग सब आपकी तारीफ करते हैं कि आप कितने कर्मठ और कितने ईमानदार, कितने जुझारू हैं, उसी प्रकार से मैं अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहता हूं। वो तो बात ठीक है, परंतु जो लोग अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, शायद वो अधिक समय तक ऊंचाइयों पर नहीं रह सकते, और जो लोग दूसरों का ध्यान रखते हुए अपना जीवन यापन करते हैं, वो अधिक समय तक उन ऊंचाइयों पर ठहर सकते हैं। बेटा, तुम जो वो गीत गुनगुनाते हो, मैं उस गीत को सुनना चाहता हूं जाते जाते, क्योंकि आज महंगाई का दौर बढ़ गया है, व्यवस्था बढ़ गई है, आदमी एक के बाद एक अपने खर्चों को बढ़ाता जा रहा है और आमदनी घटती जा रही है, तो उस बीच में वो जो तुम सुनाते हो, दिल गदगद हो जाता है कि आज भी हमारे कोई साथ है। जी बाबूजी, छोटे बाबा का जिनके सर हाथ है, छोटे बाबा का जिनके सर हाथ है, महंगाई डायन कप कपात है। छोटे बाबा का जिनके सर हाथ है, महंगाई डायन कप कपात है। छोटे बाबा की
छोटे बाबा की मानो बात, गैया से ना करियो घात, रंग मिलो मिलो भात। ओ छोटे बाबा का, ओ छोटे बाबा का जिनके सर हाथ है, महंगाई डायन कप कपात है। छोटे बाबा का जिनके सर हाथ है, महंगाई डायन कप कपात है। बड़ी सच्ची बात कहते हो तुम, कि ऐसी महंगाई में भी कि अगर हमें कोई दिशा निर्देश देने वाला है और हमारे जीवन को स्वरूप देने वाला है तो वो कोई और नहीं है, वो आज के चलते फिरते भगवान विद्यासागर महाराज ही है, विद्यासागर महाराज ही है। ओ छोटे बाबा का, ओ छोटे बाबा का जिनके सर हाथ है, महंगाई डायन कप कपात है। छोटे बाबा का जिनके सर हाथ है, महंगाई डायन कप कपात है। और वो जो तुम बताते थे कि जीवन, हाँ बाबू जी, जीवन जीवन भी बस इसी तरह चल रहा है। और जीवन के लिए दो पंक्ति मैं आपको सुनाता हूं। सुनाओ। ये जीवन हवा का झोंका है, इधर आना उधर जाना, आने जाने का धोखा है। हवा कहती है उड़ उड़ कर, ये जीवन हवा का झोंका है, इधर आना उधर जाना, आने जाने का धोखा है। हवा कहती है उड़ उड़ कर। बाबू जी, मैं चाहता हूं कि आप हम सभी के लिए दो शब्द कहें, तभी ताकि हमारा भी मार्ग प्रशस्त हो सके। ठीक है, दो शब्द। ये वो दो शब्द हैं कि जिन्हें लिखने के लिए मोटी मोटी किताबें, मोटे मोटे ग्रंथ लिखे गए, परंतु जो भाव वो दो शब्द कहना चाहते हैं, वो दो शब्द समाप्त नहीं होते। लेखक जब कोई पुस्तक लिखता है, वो दो शब्द लिखता है, परंतु उन दो शब्दों में वो कुछ भी नहीं लिख पाता, जबकि वो बहुत कुछ लिखना चाहता है। ये दो शब्द, ये वही दो शब्द हैं जिनमें पूरा जीवन समाप्त हो जाता है, परंतु ये दो शब्द पूरे नहीं हो पाते। एक छोटी सी बात मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि अपने जीवन काल में कभी अहम ना करना, क्योंकि हर मनुष्य के जीवन में खुशहाली के दिन आते हैं, बल के दिन आते हैं, पौरुष के दिन आते हैं। उस समय पर अपने से छोटे को कभी सताना नहीं, उस समय पर हमेशा सहायता के लिए अपने हाथ बढ़ाना। यदि तुम्हारे हाथ बढ़ते जाएंगे तो इन हाथों की शक्ति बढ़ती जाएगी, तुम्हारा मनोबल बढ़ता जाएगा और तुम्हारा मान सम्मान प्रतिष्ठा भी बढ़ती जाएगी। बस जैसे ही कोई पद किसी को प्राप्त होता है तो वो उस पद के अहम में यह भूल जाता है कि जिन छोटे लोगों के बीच से वो निकल कर आया है, उन्हीं लोगों ने उसे वहां तक पहुंचाया है। और ये प्रकृति का खेल है, वो देती भी है तो छीन भी लेती है, इसलिए हमें अहम नहीं करना चाहिए। जी बाबू जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके दो दो बेटे हैं और एक बेटा भी यहां विदाई समारोह में नहीं आया। हाँ, मेरे दो बेटे हैं, मां नहीं थी उनकी। एक मेरा बड़ा बालक 5 साल का और छोटा बालक उस समय 1 साल का था।
जिस समय छोड़कर उनकी मां स्वर्ग लोक को चली गई, मैंने उनको मां बनकर, मैंने उनको पिता बनकर पाला है। दोनों बेटे बहुत अधिक प्रेम मुझसे करते हैं, परंतु ये आज का समाज। एक मिनट महाराज जी आ गए। जिनके खातिर ये महफिल सजाई गई, आ गए वो गुरु देखते देखते। जिनके खातिर ये महफिल सजाई गई, आ गए वो गुरु देखते देखते। जिनके खातिर ये महफिल सजाई गई, जिनके खातिर ये महफिल सजाई गई, आ गए वो गुरु देखते देखते। झूमी धरती फजाएं महकने लगी, झूमी धरती फजाएं महकने लगी, झुक गया आसमां देखते देखते। झूमी धरती फजाएं महकने लगी, झुक गया आसमां देखते देखते। हाँ, अभी दर्शन कर रहे हैं, तब तक इनका स्टेप एक आगे बढ़ेगा। अभी आइए बाबूजी, आपको मैं आपके घर तक छोड़ देता हूँ, और साथ ही साथ मैं बताता हूँ कि आप अपने घर पर जाकर पसंदीदा कहना। हाँ हाँ, कह दूंगा मैं, आ जाना। ठीक है, आइए बाबूजी, हम आपको छोड़ देते हैं। रंग गए तेरी भक्ति में हम इस कदर, रंग गए तेरी भक्ति में हम इस कदर, शाम के रंग में मीरा रंगी जिस कदर, शाम के रंग में मीरा रंगी जिस कदर। था जो सन्नाटा, था जो सन्नाटा आने से पहले तेरे, था जो सन्नाटा आने से पहले तेरे, हुआ रोशन जहाँ देखते देखते। जिनके खातिर महफिल सजाई गई, आ गए वो गुरु देखते। जिनके खातिर ये महफिल सजाई गई, जिनके खातिर ये महफिल सजाई गई, आ गए वो गुरु देखते देखते। आ गए वो गुरु देखते देखते। जो सन्नाटा आने से पहले तेरे, था जो सन्नाटा आने से पहले तेरे, हुआ रोशन जहाँ देखते देखते। था जो सन्नाटा आने से पहले तेरे, हुआ रोशन जहाँ देखते देखते। हम दीवाने हैं गुरु बस तेरे नाम के, हम दीवाने, हम दीवाने हैं गुरु बस तेरे नाम के, तेरे सारे ये भक्त हैं गुरु राम के, तेरे सारे ये भक्त हैं गुरु राम के। होश वाले भी फिर कहोगी कि देर हो गई, देर हो गई, देर हो गई है, बड़ी मुश्किल से मैंने छुट्टी का समय निकाला है, और तुम हो कि अभी तक तुम तैयार ही नहीं हुई। बता देता हूं, अगर फिल्म आधी निकल गई तो दोबारा से टिकट नहीं खरीदूंगा। हाँ, समझ ही नहीं आता इन महिलाओं का, हमेशा तैयार तैयार तैयार। अरे कितना तैयार होगी, आ रही हूं। तुम्हारा क्या है, तुमने तो पैंट डाली, शर्ट डाली और हो गए तैयार। हम महिलाओं को तो समय लगता है ना, तो इतने समय लगाने की भी क्या जरूरत है, जब पता है कि आज मैंने छुट्टी ली है और तुझे फिल्म दिखाकर मुझे लाना है, फिर मत बोलना कि आधा शो निकल गया और आधा रह गया।
आप ऐसा करो, अगर जल्दी तैयार करवाना चाहते हो ये कंघा पकड़ो और मेरे बालों को सुलझा दो, तब तक मैं साड़ी ठीक कर लेती हूँ। क्या है, तुम्हें बाल सुलझाना भी नहीं आता? तुम्हारी माँ ने तुमको इतना भी नहीं सिखाया? पागल है, जब तेरी माँ ने तुझे समझाकर नहीं भेजा, सिखाकर नहीं भेजा, तो मुझे क्या बोल रही है, है? अच्छा ठीक है, बाल मैं खुद सुलझा लेती हूँ, तुम मेरी साड़ी के फॉल ठीक कर दो। अरे क्या कह रही है, साड़ी के फॉल? अगर किसी ने देख लिया तो? कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है, हर घर में ऐसा ही होता है। क्या, मुझे तो ऐसा लगता नहीं, मेरे सारे दोस्त कहते हैं, गुस्सा करते हैं कि हम तो अपनी पत्नी को कोई बात नहीं सुनते, कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं। ये सब कहने वाली बातें हैं, घर के बाहर जो शेर होते हैं वो घर के अंदर आते गीदड़ बन जाते हैं। अच्छा देखो, अगर आपको जल्दी लेकर चलना है तो मेरी साड़ी के फॉल ठीक कर दो। अरे कोई देख तो नहीं ले रहा है, किसी को पता लग गया तो? जल्दी, ठीक है कर देता हूँ। हटो, तुम्हारे पास में कुछ नहीं है, देख ले, चलना हो तो जल्दी चल, अगर लेट हो गए तो दोबारा छुट्टी लेना मेरे बस में नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, चले चल बेटा। अरे बाबूजी आ गए, अरे सर पे पल्ला रख, सर पे पल्ला, अरे मेरे बाल बिगड़ जाएंगे, अभी तो पार्लर में 5,000 रुपए लगा के आई हूं। हाँ प्रणाम बाबूजी, खुश रहो। प्रणाम ससुर जी। जीती रहो, जीती रहो। ऐसा लगता है कि आज कहीं तैयार होकर जाने की तैयारी कर रहे हो। हाँ बाबू जी, वो बाजार से सामान लाना था, हल्दी मिर्ची नमक इत्यादि इत्यादि, रसोई का सामान लाना है, तो दोनों जा रहे हैं। अच्छा, दोनों के जाने की जरूरत क्या है? तेरी माँ मुझे सामान बता देती थी और मैं लेकर आ जाता था। अरे बाबूजी, अब तो जाना ही पड़ता है, अगर चीनी घर में लेकर आओ तो बोलती है कि मीठी चीनी नहीं लाए, मिर्ची लेकर आओ तो बोलती है कि इसमें तो मिर्ची नहीं लग रही है, अब क्या करूं? अच्छा हाँ, बाजार में मिलावट इतनी आने लगी है कि हम पुरुषों की समझ में नहीं आती, ये महिलाएं समझ लेती हैं। तो ऐसा है, वो अकेली चली जाएगी। अरे बाबूजी, अगर ये अकेली जाएगी यहां से, पूरा मोहल्ला इसके पीछे पीछे निकल जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा यूं इसलिए, इसे 1,000 बार मना कर दिया कि जब तेरा मुझसे विवाह हो गया है तो सजने सबरने की क्या जरूरत, लेकिन मानती नहीं, मानती नहीं, मानती नहीं। हर महीने इतना खर्च है इसके सौंदर्यकरण का, उतना तो भोजन का भी नहीं है। 2,500-2,500 रुपए की लिपस्टिक लाती है और 2 बार होठों पर लगाकर कहती थी इसका कलर अच्छा नहीं है। ये डायन जैसे चेहरे बनाकर घूमना हमारी भारतीय संस्कृति में नहीं है, ये पाश्चात यहां पर घुस रहा है और इसका अनुसरण हम तुम सब लोग कर रहे हैं। ये सब मिथ्यात भय, इसको छोड़ो, साध्विक जीवन जियोगे तो अच्छा रहेगा। आज जो मेकअप लगा लगाकर तुम चेहरे को चमका रहे हो, बुढ़ापे में यह चेहरा ऐसा हो जाएगा कि लोग देखकर डरेंगे। हाँ बाबूजी, यही तो मैं इसको कहता हूं कि इतना मेकअप करके मत निकला कर, मत निकला कर, यहां से मेकअप करके निकलती है, बाजार में इसको कोई देखता है तो मुझे कोनी मार के कहती है, वो देखो वो मुझे देख रहा है, वो देखो वो मुझे देख रहा है। अरे जब घर से ही देखने वाले ढंग करोगे तो बाजार में कोई देखेगा नहीं क्या? क्या है, तुम चुप नहीं रह सकते, शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या है शर्म, बाबूजी चले जाए हम? हाँ चले जाना, एक काम करो, मुझे एक कप चाय पिला दो। हाँ सुनो, मेरे बस की नहीं है चाय बनानी। क्यों? मेरा सारा मेकअप खराब हो जाएगा, बड़ी मुश्किल से तो 2-2.5 घंटे में तैयार हुई हूँ, पसीना पसीना हो जाऊंगी सारी की सारी, मैं नहीं बनाऊंगी चाय।
अरे बना दे, मैं नहीं बनाऊंगी बिल्कुल भी। और ये आज क्या है, एक तो जल्दी आ गए और गले में माला लटका के रखी है, किसी नाटक नुक्कड़ में कोई अभिनय करने की सोच ली क्या इन्होंने? बाबूजी, ये आपके गले में माला कैसी है? फूलों की है। ये तो मुझे भी समझ में आ रहा है बाबूजी कि ये फूलों की है, परंतु ये तो बताओ कि माला आपके गले में क्यों? एक हफ्ता पहले मैंने तेरी बहू को बताया कि आज के दिन मेरा विदाई समारोह रहेगा, इसने तुझे बताया नहीं? तूने मुझे बताया नहीं? बताया नहीं तूने मुझे? हाँ, सारे काम तो मैं ही याद रखूं, आपका टिफिन बनाऊं, ससुर जी का टिफिन बनाऊं, उधर बच्चों का टिफिन बनाऊं, उसके बाद जो समय बचे उसमें कपड़े धोऊं, रात होते होते मेरी कमर टूट जाती है, कभी मुझसे पूछा है कि घर में पत्नी लाए हो कि नौकरानी? अरे मुझसे भी तो पूछ के देख, मैं जब ऑफिस में काम करता हूँ बॉस की कितनी डांट खाता हूँ। तुम तो डांट ही खाते हो, मैं तो कमर तोड़ काम करती हूँ। एक वो दौरानी है, बैठी बैठी टीवी देखती रहती है, कभी दुकान से मोमोज मंगाती है, कभी चाउमीन मंगाती है, और एक मैं हूं, हमेशा काम में लगी रहती हूँ। देखो मेरी हालत कैसी हो रही है, और उसको देखना खा खा के कैसी हो रही है। देखो पतले दुबले इंसान अच्छे होते हैं, उठ फिर सकते हैं, चल घूम सकते हैं। अरे तो इतना भी क्या चलना फिरना, एक दिन देखना ये हड्डियों का ढांचा हड्डियों में ही बदल जाएगा। बेटा चाय। ससुर जी देखो मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहती हूँ। क्या? वो आपकी विदाई हो गई तो आपके पास फंड बोनस तो हो गई ना, थोड़ा फंड बोनस हमें दे दो, फैमिली बड़ी हो रही है और घर में कार भी नहीं है। मेरा फंड बोनस तो मेरे बच्चे ही हैं, क्योंकि मैंने अपने पिताजी से सुना था कि पूत सपूत तो धन का क्या करना और पूत कपूत तो धन का क्या करना, अगर कमाना ही है तो संतान को कमाओ, संस्कारवान बनाओ। मैंने ये योग्य बना दिए हैं, ये PWD में है, दूसरा वकील है, और क्या चाहिए? जो तुम्हें खरीदना है स्वयं कमाओ, स्वयं खरीदो। चाय ले आओ। चाय लाए मेरा ठींगा। सारा फंड बोनस सब खत्म कर दिया। अजी सुनते हो, इधर आओ, अब इनके पास कुछ भी नहीं है। हाँ, अब तक हमने इनको खिलाया, मैं इनको बनाकर खिलाती थी, आज के बाद अगर खिलाएगी तो वो मोटी खिलाएगी। अरे झगड़ा तो मत करवा, मोटे को अगर मोटा बोल दो तो झगड़ा हो जाता है। झगड़ा होने दो, झगड़ा आज ये फैसला होकर रहेगा। पूरे 7 साल मैंने इनको भोजन कराया अपने हाथों से, जब तक 7 साल उसके हाथ से नहीं खा लेने के तब तक एक टुकड़ा नहीं दूंगी मैं। हाँ बता देती हूँ। बेटा सुमित, चाय नहीं आएगी क्या? बाबूजी आप चाय की बात कर रहे हैं तो पानी के लाले पड़ने वाले हैं। ऐसा क्यों? अब कुछ फंड बोनस होता तो काम चल जाता। तू कह रहा है इस बात को? मैं नहीं कह रहा हूं, मुझसे कहलवाया जा रहा है। अब बाबूजी आपकी बात मानकर मैं अपना घर तो नहीं बिगाड़ सकता, अगर वो नाराज होकर अपने घर चली गई तो बच्चों का क्या होगा? सच कहता है, तू अपना घर बना, अपने घर को देख, मैं अपनी व्यवस्था खुद कर लूंगा, क्योंकि मेरा छोटा बेटा मुझसे बहुत प्रेम करता है, मैं उसी के साथ रह लूंगा, उसी के पास भोजन कर लिया करूंगा। ठीक है बाबूजी, धन्यवाद बाबूजी, फिर भी अगर कोई चिंता हो तो मैं सिर्फ इतना कर सकता हूं कि आप सामने वाले भोजनालय पर भोजन कर लिया करना, आधे पैसे मैं दे दिया करूंगा, आधे छोटे वाला दे दिया करूंगा। ये अपना प्रस्ताव अपने पास रखो,
कल जब ये समाज ये जमाना ये कहेगा कि बाबू दीन दयाल भोजनालय से भोजन करते हैं दो दो बहुओं के होने के बाद भी, ये लोग क्या कहेंगे? जिनके सामने मैं सर उठाकर चलता था तुम उनकी आंखों में मुझे देखने लायक तक नहीं छोड़ोगे। जाओ, तुम्हें जहां जाना है चले जाओ, मैं अपनी व्यवस्था खुद कर लूंगा। चलो जी चलो, अच्छी खासी नई फिल्म आई थी अंतिम, यहीं पे अंतिम बना दिया। अरे क्या हो गया, अंतिम नहीं मिलेगी तो तुझे सूर्यवंशी दिखा दूंगा। बेटा सोनू, सोनू, सोनू जी। पिताजी प्रणाम। पिताजी जीते रहो जीते रहो। कैसा है मेरा बेटा? पिताजी मैं तो ठीक हूं, बढ़िया हूं। प्रणाम ससुर जी। जीती रहो। यही मेरी ऐसी बहू है जिसे मैं छांट कर लाया था। बाबूजी, ये छांट कर लाने के लिए मेरे हिस्से में बची थी, अगर छांट कर लाना ही था तो बड़े वाले के लिए ले आते। बेटा स्त्री घर की लक्ष्मी होती है और लक्ष्मी जितनी हष्ट पुष्ट हो उतना ही अच्छा। पिताजी एक ऐसी बहू उन सतीश चावल वालों के लिए और ढूंढ दो। बेटा उनके लिए ऐसी बहू ठीक नहीं रहेगी, अगर ये बहू उनके घर में चली गई तो उनका बेड़ा पार हो जाएगा। बेटा मेरे लिए एक कप चाय ले आओ। हाँ मोनिका जल्दी जा, बाबूजी के लिए चाय बना कर ला और बोल आना मसाला डाल के जो तू अपने घर से लाई थी। हाँ जी ला रही हूँ। पता नहीं देखने में तो इतनी बड़ी है, आवाज इतनी बारीक से निकलती है। बाबूजी आपके गले में ये माला कैसी है? बेटा ये माला, हाँ इसके विषय में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले चाय पी लो। ये लीजिए चाय ले लीजिए। हाँ लाओ। अजी सुनते हो, ये तो पूछो कि इनके गले में माला कैसी है। अरे पूछा तो था मैंने, बाबूजी ने मना कर दिया। पूछो पूछो। बाबूजी आपके गले में माला कैसी है? दो घूंट चाय और रह गई है, रुक जा। बाबूजी बता भी दो आखिरकार ये गले में माला कैसी है। ये ले, आज मेरी विदाई हो गई है, आज से मैं काम पर नहीं जाऊंगा, तुम लोगों के ही साथ में रहूंगा। अच्छी सुनते हो, सुनो इनके खाते में कुछ पैसे होंगे, उन पैसों के विषय में पूछ लो, नहीं तो बड़े बाली मिर्ची की तरह तेज है, सारा का सारा पैसा खा जाएगी। हाँ बाबूजी देखो मुझे ऑफिस बनाना है और ये घर आगे सीलन वाला है, पपड़ी भी उखड़ने लगी है, इसमें पैसा लगाना है, थोड़े से पैसे की जरूरत है। बाबूजी पैसा चाहिए, पैसा दे दीजिए। बेटा मेरे पास अब कोई पैसा नहीं है, जो भी कुछ हो वो तुम ही हो, अब मुझे तुम्हारे पास भोजन करना है, तुम्हारे ही साथ रहना है। अजी इधर सुनो, जब तक इनके पास पैसे थे तो बड़ी वाली के साथ रहते थे, आज पैसे नहीं है तो हमारे पास रहेंगे। मैं इनको भोजन देने वाली नहीं हूं, मेरा ही भोजन बड़ी मुश्किल से बाजार से आता है अभी। चलो चलो यहां से चलो। हाँ और कहां खाएंगे चाउमीन मोमोज, इनको तो अच्छे भी नहीं लगे, जल्दी चलो। बेटा मेरा भोजन, चलो जी चलो यहां से चलो। जिस बेटे को मैंने अपने कांधे पर बैठा कर मेला दिखाया, आज जब मुझे उसके कांधे की आवश्यकता हुई तो वो अपना कांधा निकाल कर चला गया। ये मेरा वही बेटा है जिसने कहा कि डैडी मुझे साइकिल चाहिए, मैंने ओवर टाइम किया, सुबह तारों की छांव में घर से निकला, तारों की छांव में वापस आया, इसे साइकिल दिलाई, अपना पेट काट काट कर मैंने पैसे जोड़े और इनको पढ़ाया लिखाया सिर्फ इस दिन के लिए। अच्छा हुआ बिमला जो तू समय से पहले यहां से चली गई, वरना आज अपने इन बेटों का ये कुकृत्य देखकर तू फिर मर जाती।
पहला घंटा जब बजा जब मेरा बचपन था, दूसरा घंटा तब बजा जब मेरी जवानी थी, और तीसरा घंटा आकर मेरे मस्तक पर लगा और कहता है कि बाबू दीनदयाल तुम बूढ़े हो गए हो, अब इस घर को तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। नहीं है क्या सोच रहे हैं ये सोच रहे होंगे कि जिस प्रकार और बुजुर्गों को वृद्धाश्रम भेज दिया जाता है, घर से निकाल दिया जाता है, उसी प्रकार ये मुझे निकाल देंगे। नहीं, मैं बाप हूं उनका और ये घर मेरा है, और इस घर में रहने का अधिकार उसी को है जो मेरी सेवा करेगा। सुबह के 4 बजने को हैं, अभी तक किसी ने यह नहीं पूछा कि पूरी रात बीत गई, बाबूजी तुम्हें नींद आई या नहीं आई, तुमने कुछ खाया कि नहीं खाया, तुमने पिया कि कुछ नहीं पिया। ओ सुमित, ओ सोनू, ओ सुमित, ओ सोनू, ये बताओ मुझे भोजन कौन देगा? बाबूजी भोजन के लिए इतना क्यों परेशान हो रहे हो, भोजन देगा तो ये सोनू ही देगा, मैं क्या भोजन दे पाऊंगा। मेरी तरह बात करने की कोई जरूरत नहीं है, भोजन दोगे तो बड़े भैया तुम दोगे। एक तो मेरे जिम्मे तुमने ये इतनी मोटी पत्नी को बंधवा दिया, वो कुछ करती नहीं है, उसका खर्चा अलग से बढ़ रहा है, कभी मोमोज मांगती है कभी चाउमीन मांगती है, मैं इनका खर्चा नहीं उठा पाऊंगा तो मैं भी नहीं रख पाऊंगा। बता देता हूं, रहेंगे तो तेरे साथ रहेंगे, रहेंगे तो तेरे साथ, मेरे साथ क्यों रहेंगे, रहेंगे तो तेरे साथ रहेंगे। हाँ हाँ, मैं क्यों रखूंगी, अगर रखेगी तो वो मोटी रखेगी। आए, मुझे मोटी कहा, अभी तेरी चुटिया पहाड़ देती हूँ मैं, मार डालूंगी। रखेगी तो ससुर जी को तू रखेगी, मैं अपने भाइयों को फोन कर दूंगी, मार डालूंगी मैं तुझे, मार डालूंगी तुझे, मार डालूंगी, मार डालूंगी। अरे हटो, अरे रुको, मेरे घर को महाभारत मत बनाओ, मत बनाओ मेरे घर को महाभारत। हो गया फैसला, अपना अपना सामान उठाओ और निकलो मेरे घर से। जो मुझे भोजन नहीं देगा वो इस घर में नहीं रह सकता, निकलो। ठीक है, जा रहे हैं बाबूजी, जा रहे हैं, मैं तो ससुर साहब जी के पास रह लूंगा। वाह बेटा, पिताजी आज तक पिताजी साहब नहीं हुए और ससुर जी ससुर साहब हो गए। अपना सामान, निकलो जल्दी और वापस लौट कर मेरे घर की तरफ मत आना, और मेरा कोई भी सामान लेकर तुम नहीं जा सकते। हाँ, ये कुर्सी मैं खरीद कर लाया था बाबूजी, चाहिए थोड़ा ऑफिस ऑफिस के लिए। अरे रेखा, अपना सामान स्वयं खरीदना, निकलो यहां से, जाओ इधर। ये चटाई पिछले हफ्ते मैं बाजार से, बाबूजी वो अब रास्ते में रात हो गई तो पैसे भी नहीं है जेब में, एक आध समय लेट के व्यक्ति खड़ी है। चलो भाग यहां से, राखी से यहीं पे और जाओ, निकलो। मैं देखता हूं 5-5 हजार रुपए में तुम्हारे ब्यूटी पार्लर एक एक महीने के लिए होते हैं, और मेरे लिए 10 रुपए का भोजन नहीं है तुम्हारे घर में, निकलो यहां से। बाबूजी, बाबूजी, प्रणाम बाबूजी। कहो बेटा, कैसे आना हुआ और इतनी सवेरे? हाँ बाबूजी, कल जब मैं हिसाब चेक कर रहा था तब आपकी फाइल से मुझे एक टिकट मिल गया, और मैं उसने उसे नेट पर चेक किया तो ये लॉटरी का टिकट आपको लग गया है। लॉटरी का खेल अच्छा नहीं है, मैंने अपने मित्र से मना किया लेकिन उसने फिर भी मुझे खरीदवा दिया था। मुझे आवश्यकता नहीं है ना लॉटरी के पैसों की और ना ही लॉटरी की, तुम इसे ले जा सकते हो। नहीं बाबूजी, ये धन आपका है, मैं आप ही को देने के लिए आया हूँ। ये लीजिए, आपको पूरे 10 लाख रुपए की लॉटरी लगी है। अरे बाबूजी हमारे हैं, बाबूजी, बाबूजी। हाय ससुर जी, मैंने तो कभी आपके सामने सर भी नहीं उघाड़ा। हाय ससुर जी, आप रहेंगे तो हमारे साथ रहेंगे। अरे हटो, बाबूजी रहेंगे तो हमारे साथ रहेंगे। बाबूजी आप हमारे हैं, हमारे हैं बाबूजी। अरे हट, बाबूजी
आप हमारे साथ रहना, हमारे साथ बच्चे हैं, बालक हैं, उनके साथ खेलना कूदना बड़े होना। हाँ ये देखो ये रहा मेरा बेटा। हाँ दादाजी किसके साथ खेलेंगे, बैठो बेटा दादा की गोद में बैठो, दादाजी एक कुच्ची करो। अरे बेटा तू ही कर दे। अरे अरे बाबूजी रहेंगे तो हमारे साथ रहेंगे, मेरी पत्नी के पास चाय का मसाला है और वो बाबूजी को बहुत पसंद है। हटो बाबूजी हमारे हैं, 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 बाबूजी हमारे हैं। अरे मरा मरा मरा। अरे बाबूजी का चश्मा, बाबूजी की जेब से पैसे, अंगूठी अंगूठी। अरे हटो तुम्हारे बाबूजी मरे हैं और तुम्हें पैसे और अंगूठियों की पड़ी है। ये उनके 10 लाख रुपए मैं किसको दूं? मुझे दो, मुझे दो। नहीं नहीं बाबूजी ने कहा था कि उनका एक बेटा उनको बहुत अधिक प्रेम करता है, उसे मैं 6 लाख दूंगा और दूसरे को 4 दूंगा। मैं ज्यादा करता हूं, मैं ज्यादा करता हूं। नहीं नहीं तुम अब तक दोनों में से एक के भी आंसू नहीं निकले और उधर तुम्हारे बाबूजी मरे पड़े हैं। जो अच्छा रहेगा उसे 6 लाख दूंगा और जो खराब रहेगा उसको 4 लाख रुपए दूंगा। रो के दिखाओ। हाय ससुर जी, ससुर जी आए, ससुर जी टिकट दे के तो चले जाते। हटो हटो, तुम्हारे बस का रोना भी नहीं है। चलो वकील साहब तुम रोके दिखाओ। अब ये रोना कौन सी धारा में लगेगा? पापा पापा बाबूजी हमारे आंखों के तारे छोड़ चले हमको टिकट के सहारे। तुम रो भी अच्छा नहीं सकते हो, तुम्हें खुशी हो रही है तो अच्छा हंस के दिखाओ। जो अच्छा हंसेगा उसे 6 लाख दे दूंगा। चलो मैं हंस के दिखाता हूं, हंसो। अरप अरप चलो वकील साहब तुम हंस के दिखाओ। अरप समझ गया मैं, ये तुम सब पैसे के लिए कर रहे हो। चलो मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूं, ये अंतिम निर्णय ले लेता हूं। जो अच्छा नाच के दिखा देगा उसको 6 लाख दे दूंगा। अरे भैया पैसा हमको दे दो, बाबूजी हमको अधिक प्रेम करते थे, हम बाबूजी का नाम रोशन करेंगे। कैसे करेगा? मैं एक बहुत बढ़िया आलीशान मकान बनाऊंगा, उसके अंदर एक ग्लिसरीन बोर्ड लगवाऊंगा, उस पे बाबूजी का नाम लिखवाऊंगा, उसके पीछे ट्यूबलाइट लगेगी, जैसे ही लाइट आएगी बाबूजी का नाम रोशन हो जाएगा। पागल कहीं के, तू पागल ही रहेगा। तुम क्या करोगे वकील साहब? हम बाबूजी के अर्थी को इतना बढ़िया निकालेंगे कि 10 प्रकार के बैंड मंगवाएंगे। बस सारी उम्र इस बैंड में ही लगे रहे ना तुम तो। चलो जो अच्छा नाच के दिखाएगा उसको 6 लाख दूंगा। हटो, चलो वकील साहब तुम नाच के दिखाओ। अब ये नाचना कौन सी धारा में आता है? अरे नाच के दिखाओ, वकील बने फिरते हो धारा का पता नहीं है। पैसे के लिए सब कुछ करना पड़ रहा है, देख लो। समझ
समझ गया, ना कोई ज्यादा है ना कोई थोड़ा है, इसलिए मैं तुम दोनों को आधे आधे दे देता हूं। ये लो, पांच तुम्हारे हैं और पांच तुम्हारे हैं। अरे ये क्या किया, टिकट को तुमने फाड़ दिया, तो कुछ बचा ही नहीं। मैंने बाबूजी से कहा कि बाबूजी जब आप घर जाओगे तो वो आपसे नहीं आपकी संपत्ति से प्रेम करते हैं, एक बार जाकर उनसे कहना कि तुम्हारे पास धन नहीं है, तब पता लगेगा तुम्हारी संतान तुमको कितना प्रेम करती है। और तुम क्या सोच रहे हो कि बाबूजी मरे हैं? मरे नहीं है, वो अभी तक जीवित है। उठिए बाबूजी, ये देखिए आपकी संतान आपसे नहीं आपके धन से प्रेम करती है। समझ गया मैं, इस मरने के दृश्य में मैंने मरकर यह जान लिया, अपना पूरा जीवन जी लिया कि बच्चों को आधुनिक युग में हम शिक्षा तो दे रहे हैं परंतु संस्कार उनके छूटते जा रहे हैं। यदि मैं इनको गुरुओं की शरण में ले गया होता, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ मैंने इनको जिनवाणी को सुनवाया होता, तो आज ये दृश्य मेरे साथ ना हुआ होता, मेरे साथ ना हुआ होता, मेरे साथ ना हुआ होता। हाथ जोड़कर निवेदन है सभी से कि अपने बेटे को डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, परंतु अपनी संस्कृति से उसने दूर मत करना, दूर मत करना। सभी को जय जिनेन्द्र। कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा प्रार्थी है। आदरणीय भैया जी, विदेशी शिक्षा का प्रभाव भारतीय संस्कृति से दूर करता हुआ यह दृश्य, अपने अपने स्वार्थ के पीछे क्या क्या करने के लिए तैयार हुए आपने देखा। ये घर घर की कहानी जैसी है। शाम को संगीतमय आरती, आरती के पश्चात सौधर्मिंद शास्त्र सभा, शास्त्र सभा के बाद सौधर्मिंद का तांडव नृत्य, प्रभु का पालना झुलाया जाएगा, बाल कीड़ा होगी। तो बाल कीड़ा के ही बीच में एक छोटी सी नाटिका आपको फिर दिखाई जाएगी, त्रिया चरित्र। कल का कार्यक्रम विशेष कार्यक्रम है, बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और पूरे पंचकर्ण को समझने वाली एक ऐसी सभा है जिसके द्वारा आपका इतिहास सिद्ध होगा। तो कल का कार्यक्रम प्रातःकाल में 6 बजे से ही प्रारंभ होगा। अभिषेक, शांति धारा, नित्यमय पूजन, जन्म कल्याण की पूजन, शांति हवन, महाराज श्री का आगमन, गुरु महाराज की पूजन और महाराज श्री की मंगल देशना। देशना के पश्चात प्रभु का पाणी ग्रहण संस्कार होगा, विवाह की पद्धति को आपके सामने रखा जाएगा। दोपहर में 12:30 बजे से सभा प्रारंभ होगी, राज्याभिषेक होगा, भेंट समर्पण होगी, भेंट समर्पण के साथ शिक्षा भी दी जाएगी। तो भरत बाहुबली को भी राजनीति सिखाई जाएगी, महामंडलेश्वर राजाओं की नियुक्तियां होंगी, सेनापति की नियुक्तियां होंगी, तो षट कर्म पर उपदेश होगा, ब्राह्मी और सुंदरी को शिक्षा दी जाएगी, नीलांजना का नृत्य होगा, लौकांतिक देवों का आगमन होगा, प्रभु दीक्षा वन विहार करेंगे और कल निर्यापक श्रीमान मुनि श्री योगसागर जी के कर कमलों से यहाँ पर मुनि दीक्षा का कार्यक्रम होगा। महाराज श्री की मंगल देशना होगी, शाम को संगीतमय आरती, आरती के पश्चात शास्त्र प्रवचन, उसके बाद आप देखेंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। कल दिन का कार्यक्रम बहुत व्यवस्थित और शिक्षा ग्रहण करने योग्य कार्यक्रम है और कल जनता बहुत आने वाली है, तो आप सब कल व्यवस्थित होकर के इस कार्यक्रम को देखेंगे, सुनेंगे विस्तार से शाम को। अब हम थोड़े से इनके लिए गुरुवर के चरणों में श्रीफल लेकर आ रहे हैं। नीरज सिंह जी पूर्व मंडी अध्यक्ष हमसे आग्रह करते हैं कि वो यहाँ मंच पर पधारें। श्री राजकुमार जी जैन, श्री राजू जी जैन गढ़ा, श्री अभिषेक राय जी, श्री प्रहलाद पटेल जी, श्री राम सिंह जी, श्री सोनू पटेल जी, गुलाब पटेल जी, उनसे निवेदन है कि आप सभी मंच पर आएं और श्रीफल लेकर गुरुवर जी से आशीर्वाद, गुरुवर से आशीर्वाद प्राप्त करें। और ब्रह्मचारी जी अन्नु भैया जी शास्त्री, शास्त्री नगर, वो भी आएं और गुरुवर से आशीर्वाद प्राप्त करें।
ओम प्रकाश चौबे जी भी यहाँ आ जाएं और गुरुवर से आशीष प्राप्त करें। हम आप सभी का वंदन अभिनंदन करते हैं। और आज के प्रवचन हमें और आप सभी को सुनने के लिए मिलेंगे मुनि श्री श्रवण सागर जी के द्वारा। हम और आप सभी अपने हाथ जोड़कर उनसे निवेदन करते हैं कि अपनी बात्सल्यमयी वाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। मुनि श्री श्रवण सागर जी महाराज। अष्ट देवियां शुद्धि पहन करके मंदिर जी पहुंचे क्रियाओं के लिए 5 मिनट के अंदर। सौधर्मेंद्र सचिंद्रानी कुबेर कुबेर की इंद्रानी महायज्ञनायक महायज्ञनायिका इतने लोग। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, परमोपकारी आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, निर्यापक श्रवण श्री योग सागर जी महाराज की, परम पूज्य पूज्य सागर जी, अतुल सागर जी, शाश्वत सागर जी महाराज की, जिस सभा में निर्यापक श्रवण श्री योग सागर जी महाराज जैसे चिर दीक्षित साधक नायक के रूप में विराजमान हों, उस सभा में मेरे जैसे नए नवेले, एक प्रकार से जिसके अभी दूध के दांत भी नहीं गिरे हैं, ऐसे साधक का बोलना हास्यास्पद सा लगता है। चिर दीक्षित इसलिए जितनी मेरी उम्र है उससे भी कई वर्ष पहले वो दीक्षित हो चुके थे, मतलब मेरी उम्र और उसमें कई वर्ष और जोड़ लो, इतना उन्हें दीक्षा लिए हो चुका है समय। आज सुबह से 6 बजे से ही आप लोग बहुत प्रसन्न हैं, आज भगवान ने जन्म लिया। यद्यपि जन्म शरीर का की अपेक्षा से आत्मा तो अजर अमर है। पिछले 7 वर्षों में दीक्षा हुए, लगभग 7 वर्ष हो गए, पिछले 7 वर्षों में यह पहला अवसर है जब पंच कल्याणक में मैं हूं और गुरुदेव नहीं है। इसके पहले लगभग 19 पंच कल्याणक हुए, उसमें गुरुदेव का सानिध्य रहता था। इसके पहले अभी जो आपका जो पंचकल्याणक हुआ सहपुरा में, वहां पर भी ये स्थिति आने वाली थी, लेकिन अचानक गुरुदेव का आदेश आया कि आप लोगों को आना है, तो हम लोगों ने 3 दिन में 140 किलोमीटर लगभग चले और आखिर हम उस पंचकल्याणक में शामिल हो ही गए। तो हमने सोचा कि जब पुण्य इतना था कि उस पंचकल्याणक में गुरुदेव के साथ शामिल हो गए, तो हो सकता है कि यहां भी ऐसा ही कुछ अजूबा हो जाए और गुरुदेव आ जाएं। लेकिन थोड़ा हमारा और थोड़ा आपका पुण्य थोड़ा सा कम पड़ गया, कोई बात नहीं। फिर गुरुजी ने कहा कि जल्दी से यहां का पंचकर्ण करके और कुंडलपुर आ जाओ। अगले 5-6 दिनों में गुरुदेव कुंडलपुर पहुंचने वाले हैं। इन 7 वर्षों में मैंने गुरुदेव के साथ विहार करते करते लगभग अनेकों गांवों में भ्रमण किया, लेकिन चरगवा जैसे छोटे से गांव, छोटी सी समाज, इसको देखकर और वहां मैंने भ्रमण करते करते अनेकों गांवों में देखा कि एक से एक मंदिर दिखे, लेकिन उन सबको देखने के बाद मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि पूरे भारत में इतना सुंदर मंदिर मैंने इस गांव की अपेक्षा इतने छोटे से गांव में कहीं नहीं देखा।
हम लोग जब आहार करने के बाद वहां से निकले, परसों की बात है, तो अभी उस प्रतिमा की प्रतिष्ठा नहीं हुई है, लेकिन ऐसा लगता था कि जाके नमोस्तु कर लें। सुबह महाराज जी बोले, ऐसा लगता है उस प्रतिमा को देख करके नमोस्तु किया जाए। अभी उसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई नहीं है। जैन और जैनेतर, आप लोग यह विश्वास मान के चलिए, बहुत कम समय में वो मंदिर और वो प्रतिमा जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, बहुत कम समय में इस गांव के जैन और जैनेतर सभी पूरे गांव की समृद्धि का कारण बनेगी। बहुत अतिशयकारी प्रतिमा है, उसको अभी प्रतिष्ठा के पहले देखा मैंने तो रोमांच आता है। ऐसा लगता है क्या प्रतिमा, क्या मंदिर है। आप सभी चरगमावासी धन्यवाद के पात्र हैं। भाव संग्रह नाम का एक ग्रंथ है, आचार्य देवसेन महाराज ने लिखा है। देवसेन महाराज कोई छोटे मोटे महाराज नहीं हुए, 10वीं शताब्दी में हुए। उन्होंने आराधना सार, दर्शन सार, तत्व सार और एक आला पद्धति और भी कई ग्रंथ लिखे। उन्होंने एक प्राकृत में भाव संग्रह नाम का ग्रंथ लिखा। यद्यपि एक भाव संग्रह ग्रंथ संस्कृत का भी है, पंडित बामदेव का, वो उन्होंने 13वीं शताब्दी लिखा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। उस भाव संग्रह ग्रंथ में उन्होंने लिखा, किन्ने, आचार्य देवसन महाराज ने, 10वीं शताब्दी मतलब आज से 1100-1200 वर्ष पूर्व। तो उन्होंने लिखा, सम्मादिट्ठि पुण्यम मोक्ष हेम होई इणाउण घेतो पुण्यम चायरंग जत्तेण। इसका अर्थ है कि सम्यक दृष्टि का पुण्य नियम से मोक्ष का कारण है, यह जानकर हे गृहस्थो जैसे बने वैसे पुण्य का संचय करो। क्या कहा, पुण्य का संचय करो। अब मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, इस सभा में जितने लोग बैठे हैं प्रायः सभी लोग पैसे के पीछे भागते हैं, और पैसा पुण्य के पीछे भागता है। हम कितनी बड़ी नादानी कर रहे हैं कि पैसे के पीछे भाग रहे हैं, और यदि हम पुण्य के पीछे भागें तो पैसा पुण्य के पीछे भागता है। आचार्य विद्यासागर महाराज जी जब कुंडलपुर में आए थे, उस समय उनकी दीक्षा को 4-5 वर्ष हुए थे, शुरुआत थी, तो महाराज जी ने बताया कि जब वो कुंडलपुर में प्रवेश किए तो एक भी व्यक्ति आचार्य विद्यासागर महाराज को लेने के लिए नहीं आया था। आप लोग सुन रहे हैं, आज आचार्य विद्यासागर जी महाराज का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अगर मैं रात में 2 बजे बोल दूं किसी से अभी कि आज रात में 2 बजे आचार्य श्री जी लघु शंका को इस दरवाजे से निकलेंगे, ऐसा बोल दूं तो कम से कम 200-500 लोग वहां खड़े हो जाएंगे, आचार्य इस दरवाजे से निकलेंगे रात में 2 बजे दर्शन मात्र, तो कुछ नहीं होना, वहां निकलना बस है, उनको शांति से दर्शन हो जाएंगे। 2 बजे वो ठंडी में पहुंच जाएगा। क्यों, उन्होंने पुण्य कमाया, पैसा नहीं, पैसे के पीछे नहीं भागे। किसके पीछे, कमाने का उद्देश्य नहीं था, व्रतों का आचरण किया, महाव्रतों का पालन किया, पुण्य आएगा, झमाझम पुण्य आएगा। 40-50 वर्षों की साधना के बाद आज उनका पुण्य, अगर उनको मंच पर बैठा दिया जाए और इस पूरी भरी सभा में बोला जाए, भैया कोई एक जन आ जाओ और आचार्य श्री महाराज का आपको पाद प्रक्षालन करना है, क्या होगा, एक सब भागेंगे दौड़ के, भैया रुको 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 रुको, ऐसा नहीं, एक को आना है, झगड़ा होगा, जैसा अभी झगड़ा हो रहा था ना दो का, वो पैसे के लिए दो झगड़ रहे थे दो भैया, एक भी नहीं आ पाएगा तो क्या, भैया रुको एक काम करो, बोली लगा लो, बोली लगा लो, जो व्यक्ति ज्यादा बोल लेगा वो आगे चरण धुला लेना, ठीक है, बोली शुरू करेंगे तो कहां तक पहुंचेगा, भी शुरुआत होगी 10-20 लाख से, एक खो का चरण छूने के कहां से आया ये पुण्य। तो पुण्य का संचय करो, ये बात कही बामदेव महाराज, देवशन महाराज ने। अब हम आप ये लोगों के मन में ये जिज्ञासा हो रही होगी, महाराज जी बात तो आपकी सही है, तो अब हम पैसे के पीछे नहीं भागते, पुण्य के पीछे भागेंगे, तो पुण्य कहां से आता है। तो उन्होंने कहा 1000 प्रकार से पुण्य का संचय होता है, 1000 प्रकार से पुण्य का संचय होता है। कोई गरीब व्यक्ति भूखा है उसको भोजन करा दो, पुण्य संचय होगा। कोई अंधा निकल रहा है उसको लाठी पकड़ के रोड पार करा दो, पुण्य संचय होगा। कोई पशु पक्षी जो हाथ पैर टूट गए हैं, कुछ भी है
उनको कर दो गौशाला खोलवा दी, हजारों प्रकार के पुण्य संचय के काम हैं। आज से 1500 वर्ष पूर्व आदि पुराण में 1200 वर्ष पूर्व लगभग एक पुराण में गाथा लिखी, उसमें उन्होंने कहा कि हर बॉल पे, उदाहरण अपना दे रहा है यहाँ का क्रिकेट का, उस समय तो क्रिकेट था नहीं, हर बॉल पे एक रन लेना हो गया। ये जैसे 1000 प्रकार से पुण्य कमाए जाते ना, ये कर लो वो कर लो ये कर लो इससे पुण्य होगा, इससे पुण्य शुभ काम करो तो पुण्य कमाया जाएगा, तो ये तो हर बॉल पे एक रन लेना जैसा हो गया। ऐसा कोई बताओ कि हर बॉल पे सिक्स लगे, छक्का, मतलब बड़ी मात्रा में पुण्य का संचय हो, ऐसा कोई उपकरण बताओ। तो उन्होंने एक गाथा लिखी, वो आपके सामने रखता हूं। पुण्यम जिनेन्द्र परिपूजम साध्य माध्यम, पुण्यम सुपात्रगत दान समुत्त मन्यत, पुण्यम वितानुचरणादुपास योगात, पुण्यार्थ भी नाम चतुष्टम मर्जनीयम। ये गाथा 1200 वर्ष पुरानी है, इसमें लिखा 1000 प्रकार से पुण्य का संचय होता है, उनमें से चार टॉप के चार जो सबसे ज्यादा ऊपर हैं, वे चार कारण हम आपके सामने रख देते हैं, आप उनसे पुण्य संचय कीजिए, पैसा आपके पीछे भागेगा और उस पुण्य का आप जैसा चाहे वैसा सदुपयोग कर सकते हैं। तो पहला लिखा पुण्यम जिनेन्द्र परिपूजम साध्य माध्यम, जिनेन्द्र भगवान का पूजन करने से पूरे ब्रह्मांड में जो पुण्य संचय होता है वो किसी दूसरे प्रकार से नहीं होता। कितनी बड़ी बात है, वो आपने उसकी व्यवस्था आपने कर दी, यहां पर इतना विशाल सुंदर मंदिर निर्माण करके पुण्य संचय का सबसे सशक्त साधन किसकी अपेक्षा से, श्रावकों की अपेक्षा, ये उन्होंने कहा वहां पर। श्रावकाचार 35-36 श्रावकाचार हैं, उसकी एक श्रावकाचार में कहा कि धनिया के बराबर मंदिर और राई के बराबर प्रतिमा, इसको यदि आप स्थापित करते हैं तो वो व्यक्ति बहुत कम समय में मुक्ति को प्राप्त हो जाता है परंपरा से, और आपने तो इतना विशाल इतना सुंदर आकर्षक मंदिर बनाया है, निश्चित रूप से आप लोगों ने जिस जिसने भी उसमें तन मन धन लगाया है, अब आपका उत्थान, आपका मुक्ति बहुत कम समय में बहुत जल्दी होने वाली है, ये आप निश्चित मानिए। अब तो उस गाथा का हम आपको दूसरा जो पुण्य संचय का साधन था, अब हम ये पूछना बताना चाहते हैं कि महाराज जी भगवान की पूजन करने से पुण्य संचय होता है, क्यों होता है, ऐसा क्या है भगवान की पूजन करने से। तो सामान्य से हम आपको बताते हैं, किसी व्यक्ति में दो चार गुण हों अच्छे, यदि हम उसके गुणों का गान करेंगे तो निश्चित रूप से हमें प्रसन्नता होती है, अच्छा लगता है, कितना अच्छा व्यक्ति है, जिसमें अनंतानंत गुण भरे हुए हैं, यदि हम उनके गुणों को गाएंगे, उनका पूजन अभिषेक करेंगे, उनके गुणों का गान करेंगे, तो हमारे अंदर कितना आह्लाद आएगा, कितने विचारों में विशुद्धि बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से उससे हमारे विचारों से, हमारी विशुद्धि से वो नासरा होगा, ये उसका कारण है। दूसरा, अब महाराज जी भगवान की पूजन करेंगे तो कैसे करना, पुजारी बनकर, शर्त ये है भिखारी बनकर नहीं, अगर आप भगवान की पूजन पुजारी बनकर करेंगे तो ऐसा पुण्य संचय होगा, ऐसा पुण्य संचय होगा कि जब वह उदय में आएगा तो आपके गोदाम कम पड़ जाएंगे। हम आपसे पुनः कहते हैं, पैसे के पीछे मत भागो, पुण्य के पीछे भागो, आपको पता नहीं चलेगा दिन दूना रात चौगुना आप उसका पैसा आपके पीछे दौड़ लगाएगा, और आप उस पुण्य का प्रयोग धर्म के क्षेत्र में भी कर सकते हैं और अपने जो आपका सांसारिक सामान्य जीवन है उसमें भी कर सकते हैं। दूसरा, इतनी विशुद्धि होनी चाहिए, मतलब पुजारी बनने में आपकी इतनी होनी चाहिए कि यदि मान लो आपकी पूजा से साक्षात भगवान भी प्रकट हो गए, बोल मैं प्रसन्न हूं, बोल क्या चाहिए, तो आपको ये कहना, भगवान हम तो आपके गुणों के गायक हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। यदि इतनी विशुद्धि से आप भगवान की पूजन करेंगे, इन भावों से पूजन करेंगे, तो ऐसा पुण्य संचय होगा कि आप उस पुण्य को समेट नहीं पाएंगे। दूसरा, उन्होंने कहा सुपात्र के हाथ में दिया गया एक ग्रास, महाराज जी 100 लोग बाहर बैठे हैं भूखे, उनको भोजन कराने से ज्यादा पुण्य संचय होना चाहिए। एक ग्रास अगर हमने मुनिराज के हाथ में रख दिया, सुपात्र हैं वो छठे सप्तम गुण स्थान बढ़ती, तो उनको तो निकलते हैं तो सैकड़ों लोग खड़े रहते हैं भोजन कराने के लिए, आहार के लिए, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और अगर कोई 100 लोग बाहर भूखे हैं तो उनको भोजन कराना चाहिए, उनको क्यों नहीं रखा दूसरे क्रम में, इनको क्यों रखा उन आचार्य महाराज ने। कि दूसरा जो पुण्य संचय का दूसरा सबसे सशक्त कारण है वो सुपात्र के हाथ में दिया गया ग्रास, ऐसा क्यों, ये आज के पढ़े लिखे बच्चों का प्रश्न हो सकता है, होना भी चाहिए,
कि ऐसा क्यों? तो इसलिए उन्होंने कहा उन 100 भूखों को भोजन कराने के लिए मना नहीं करना, उनको कराना ही चाहिए, उससे पुण्य संचय होता ही है। लेकिन मुनिराज के हाथ में आपने एक ग्रास लगा, सच्चे भाव लेंगे मुनिराज थे, सप्तम छप्तम सप्तम गुण स्थान बढ़ती, उन्होंने उस उनका वह आपका जो एक ग्रास आपने रखा वो उनके कैवल्य में कारण बनेगा। और आपने तो 100 लोगों को भोजन करा के एक दिन के लिए संतुष्ट किया, वो जो एक ग्रास आपने रखा वो उनके कैवल्य में कारण बना, और वो जब केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे तो अनंत अनंत जीवों को अनंत काल के लिए सुखी कर देंगे। महावीर भगवान के हाथ में जिसने ग्रास रखा होगा, आप विचार कीजिए क्या है, क्या हुआ, जिसने महावीर भगवान के हाथ में एक ग्रास रखा होगा उसको कितना तीव्र पुण्य संचय हुआ होगा। इसलिए ये दूसरा कारण लिखा। तीसरा कारण लिखा उन्होंने व्रतों का आचरण। तुम्हें बता चुका आचार्य का उदाहरण दिया आपकी कि उन्होंने महाव्रतों का आचरण किया, इससे पुण्य संचय होता है। कितना तीव्र आपके सामने है कि 50 साल पहले एक व्यक्ति ने लेने नहीं आया आचार्य जी को, और अब ऐसा लगता है कि पिछले दरवाजे से निकलना पड़ता उनको। जब भी मैंने देखा वो कभी सामने के दरवाजे से नहीं निकलते। धीरे से हम लोगों से पूछते हैं क्यों सुमन सागर इधर आप जी, यहां से निकलने का पीछे से कोई रास्ता है? हर बार देखा मैंने पीछे से निकलते, क्यों? भीड़ खड़ी होगी आगे। ये है उनका पुण्य। चौथा उन्होंने कहा उपवास, अपने आत्मा के उत्थान के लिए उपवास करना। हम लोगों की एक भिक्खु परमाशु हाँ 12 प्रतिमा जैसी आप लोगों की श्रावों की होती है, ऐसी मुनिराजों की भी 12 प्रतिमा होती है, कभी शायद आप लोगों ने ना सुना हो। उसमें उन्होंने लिखा, दंग रह जाएंगे सुन के आप उपवास की महत्व, क्या महत्व है उपवास का। उसमें उन्होंने लिखा पहली प्रतिमा, बे मुनिराज एक माह बाद आहार लेंगे, एक माह का उपवास लिया, ये पहली प्रतिमा है। दूसरी दो दो माह का ले लिया, अब हम आज आहार लिया अब 2 माह बाद लेंगे। तीसरी अब हम 3 माह बाद लेंगे। ऐसी चौथी पांचवी छठवीं सातवीं, आज आहार लिया अब हम 7 माह बाद आहार लेंगे, 7 प्रतिमा हो गई। फिर 8वीं में 3 और 7 दिन का उन्होंने अनुग्रह किया, ये 8वीं प्रतिमा। 9वीं 10वीं 11वीं इन 3 प्रतिमा में उन्होंने कहा कि अब मैं केवल 3 ग्रास लूंगा, अब मैं केवल 2 ग्रास लूंगा, और 11वीं प्रतिमा में अब केवल आहार करने गए 1 ग्रास लूंगा। और उसी रात प्रथम आयोग लगा के बैठ गए और सुबह केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। ये है उपवास का फल। लेकिन किसी लौकिक अपेक्षा से नहीं, ये मुनिराज की अपेक्षा कह रहा हूं, ध्यान रखना। पुण्य हर जगह काम आता है, हर जगह। आप क्या सोच रहे हैं मुनिराज बन गए तो पुण्य काम नहीं आएगा? एक बहुत दुखद बात मुझे कुंडलपुर में लगी जब मैं कुंडलपुर में था। अभी हम लोग पूज्य निर्यापक समय श्री योग सागर जी के साथ चातुर्मास कर रहे थे। अकोला, अकोला है भारत में, अकोला से एक नव युवक आए, उनके साथ उनकी पत्नियां भी थी। वो आए, महाराज जी 2 मिनट का समय चाहिए। बोलो महाराज जी हम पहली बार कुंडलपुर आए बड़े बाबा जी के, हमने दर्शन किए। ठीक है महाराज जी, हमने 2 घंटे लगाए, दर्शन किए, अभिषेक किया, पूजन किया, विधान किया, और उसके बाद भगवान को एकटक देखते निहारते रहे, आनंद आ गया, गदगद हृदय हो गया। लेकिन महाराज जी एक बहुत बड़ी समस्या है, बड़ी टेंशन है, बड़ी चिंता है, समझ में नहीं आ रहा, शंका है महाराज जी। क्या है बोलो? महाराज जी हम लोग स्वाध्याय करते हैं ऑनलाइन, रुचि है। उन्होंने कहा कि पुण्य तो हे है, मोक्ष मार्ग में बाधक है, संसार का कारण है। दिमाग खराब हो गया सुन के मेरा। अगर पुण्य संसार का कारण है तो मोक्ष का कारण क्या पाप होगा? मैं ये इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ यंत्रों के द्वारा इस बात को पूरे देश में भी सुना है कि सुनाया जा रहा है। जो भी ऐसा स्वाध्याय कर रहे हैं करा रहे हैं उन्हें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। हम आपको इसका स्पष्टीकरण बहुत कम शब्दों में करते क्योंकि घड़ी यहां पर जो लगाई है बहुत तेज चलने वाली लगाई, यदि किसी में सामर्थ्य हो तो इसको थोड़ा स्लो चलने वाली घड़ी यहां पर लगा दें इसको हटा के। उन्होंने क्या कहा, यदि महाराज जी बोले 4:30 तक बोलना है, 4:30 तक मैं बचूंगा, आप बचेंगे, और यहां पर जिनके जो फर्श पड़े हैं वो बचेंगे, बाकी सब भाग जाएंगे। तो उन्होंने क्या कहा उसका स्पष्टीकरण कर रहा हूं कि पुण्य हे है ऐसा भी स्वाध्याय में बताया जाने लगा है। कभी भी पुण्य हे नहीं है। मिथ्या दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि हो, मुनिराज हो, 14वें गुणस्थान के अंतिम समय तक पुण्य का योगदान रहता है। कैसे? एक अभव्य मिथ्या दृष्टि जीव है, उसको तो कभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होनी नहीं।
अभव्य मिथ्या दृष्टि जीव है, वहां से हम शुरू कर रहे हैं। पहला स्टेप है पुण्य क्या काम करता है, उस व्यक्ति को कितना पुण्य, उसको तो कभी सम्यक तो होना नहीं, तो उसको तो पुण्य ही चाहिए, क्योंकि अगर पुण्य से रहेगा तो राजाओं जैसा जीवन बिताएगा, और यदि पाप के फल को भोगेगा तो उसको भिखारी बन के अथवा तिरेन जीवनी में अथवा ऐसा ऐसा जाना पड़ेगा। तो जितनी पुण्य प्रकृति है उसको उसको तो सारा पुण्य ही चाहिए। तो ये तो हो गया अब एक कोई भव्य मिथ्या दृष्टि जीव है, उसको सम्यक प्राप्त करना है। जितने भी कारण सम्यक प्राप्ति के बताए हैं वे सारे के सारे पुण्यात्मक हैं, संगी होना, पर्याप्तक होना आदि आदि। समय कम है इसलिए थोड़ा जल्दी बोल रहा हूं। फिर यहां भी पुण्य चाहिए, कोई मिथ्या दृष्टि बिना पुण्य के क्या सम्यक दृष्टि हो सकता है? नहीं। तो यहां भी पुण्य चाहिए। एक स्टेप और आगे, उस सम्यक दृष्टि जीव को जिसने सम्यक ग्रहण कर लिया महाराज बनना है। आचार्य श्री जी जब हमारी दीक्षा दे रहे थे तो उन्होंने कहा एक भाव का नहीं, दो भाव का नहीं, दस भाव का नहीं, भाव भाव का पुण्य संचय होता है, तब दैगंबरी दीक्षा मिलती है। और यहां कहा जा रहा है कि पुण्य है। फिर और आगे, दीक्षा हो गई, ये महाराज बैठे हैं, यदि इनके पास पुण्य नहीं होगा तो क्या ये महाव्रतों का पालन कर सकते हैं? पहले ग्रास में अंतराय, दूसरे दिन जाएंगे फिर अंतराय, क्योंकि पाप का उदय है, तीसरे दिन फिर, कब तक होगा ऐसा? पुण्य चाहिए, विहार करना है, कुछ हो गया, पैर में हो गया, हाथ में हो गया, रोग हो गया, बिना पुण्य के क्या मोक्ष मार्ग पर चला जा सकता है? नहीं, पुण्य चाहिए। गाथा आती है प्रवचन सार में चारित्र चूलिका में, बन्ने सुति सोए को कल्लाड़ंगो तबो सहो वैसा सुमो कुंछा रहे दो हवै लिंगन गहने जोगो। जितने भी इसमें, इस गाथा में जितने भी बिंदु हैं सारे के सारे पुण्यात्मक हैं दीक्षा वाले की दृष्टि से। और कहा जा रहा है कि पुण्य है, नहीं पुण्य है नहीं, पुण्य परम परम उपादेय है। फिर और आगे, दसवें गुण स्थान के अंतिम समय में साता का जो अनुभाग बंद होता है वो कहीं नहीं होता, और उसके बाद ग्यारहवें बारहवें तेरहवें गुण स्थान में जो अनुभाग में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि होती है वो पुण्य नहीं तो क्या है? इसलिए पुण्य है नहीं है, किसी भी कंडीशन में पुण्य है नहीं। आप लोगों को हो सकता है ये विषय थोड़ा कठिन लग रहा हो, लेकिन मुझे रखना थोड़ा आवश्यक लगा। बात समझ में आ रही है? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ये तो समझ में आ रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, यदि इतना भी समझ में आ रहा है तो इसका मतलब है कि समझ में आ रहा है। यदि समझ है तभी तो समझ में आ रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा महाराज जी, इसका मतलब है कि आपको समझ में आ रहा है, नहीं तो ये समझ में आ ही नहीं सकता कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। समझ में आया ना? ठीक, इसका मतलब है कि समझ में आ रहा है। तो एक अब महाराज जी कहा तो है कि पुण्य है, पाप पुण्य मिल दो पायण बेणी डारे, ऐसा कहा तो है। तो सुनो क्यों कहा है। हमारे आचार्य जी एक बार बोले, जब तक मोक्ष की इच्छा नहीं है तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनना, बहुत जबरदस्त बात है, गुरु जी का कथन है। जब तक मोक्ष की इच्छा नहीं है तब तक मोक्ष, और जब तक मोक्ष की भी इच्छा शेष है तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। अब बताओ, आचार्य महाराज एक झूठ बोल नहीं सकते और दोनों बातें एक समय में बोल रहे हैं, ऐसा कैसे? तो ये कमी है जो वो वक्ता है उनकी समझने की। कहां कमी हुई? समंत भद्र आचार्य ने युक्तानुशासन एक ग्रंथ, जबरदस्त ग्रंथ है, अगर आप लोगों ने नाम सुना हो, उसमें उन्होंने लिखा काला कलेरवा कलशास योवा श्रोतु प्रवक्तु बचनाना योवा तुत्सास नयिका के पतित लक्ष्मी प्रभुत्व सकते रपबाद हेतु। क्या गजब की गाथा लिखी, कारिका लिखी उन्होंने। क्या लिखा? भगवान आपका जिन शासन तो एक छत्र राज होना चाहिए ऐसा है, पूरे ब्रह्मांड में एक छत्र राज होना चाहिए जिन शासन का, लेकिन उसमें जो अभी जो ऐसा चल रहा है कि एक प्रकार से अपवाद में एक छत्र राज नहीं, उसमें हेतु क्या है, कारण क्या है, बताइए। तो उन्होंने कहा उसके तीन कारण हैं। पहला काला कलेरवा, काल काला है। दूसरा कलशास युवा हेत श्रोत, काला कलेरवा कलशास युवा श्रोतु, श्रोताओं के आशय मतलब हृदय काले हैं, कहेंगे कुछ वो अपना आशय उल्लू सीधा करने के लिए उसका अर्थ लगा लेंगे कुछ। दूसरा और तीसरा सबसे सशक्त, जिसके कारण ये कहा जा रहा है कि पुण्य है क्यों? तीसरा क्या? काला कलेरवा कलशास युवा श्रोतु प्रवक्तु बचना नहीं, प्रवक्तो जो वक्ता हैं उनको नयों का ज्ञान नहीं है। क्या कहा? कह रहे हैं पुण्य है, लेकिन उनको पता नहीं कि किस अपेक्षा से कहा। कितनी सुंदर बात कही गुरुजी ने कि
जिसको मोक्ष की इच्छा नहीं उसको मोक्ष नहीं होगा, और जिसको मोक्ष की भी इच्छा है उसको मोक्ष नहीं होगा। स्पष्ट कहा महाराज जी, दोनों बातें एकदम विपरीत है। विपरीत नहीं, दोनों समीचीन है। आपको नयों का ज्ञान नहीं है, किस नए से ये बात कही, किस नए से वो बात कही, किस अपेक्षा से पहली लगाना, किस अपेक्षा से दूसरी लगाना, कैसे। सुनो, उन्होंने कहा एक बहुत अच्छा ग्रंथ है अकलंक देव का, स्वरूप संबोधन, उसमें कहा यस मोक्षेपि नाकांक्षी समोक्षति गच्छति इत्युक्तान हितान वैसी कांक्षा न कोपि योजयेत्। ये गाथा है अकलंक देव की स्वरूप संबोधन की, उसमें कहा जिसको मोक्ष की भी इच्छा नहीं है उसको मोक्ष होता है, इसलिए कोई भी इच्छा मत रखो। लेकिन ये कथन किस अपेक्षा से है, ऊपर की अपेक्षा। आप लोगों को समझाने के लिए जो स्वाध्याय उनको बता देते हैं किस अपेक्षा से है। जैसे पांच पांडव थे, पांचों के हाथ में गहने पहरा दिए गए, जब उनने दीक्षा ली, ये पांचों बैठे हैं, अगर इनको मोक्ष की इच्छा नहीं होती तो क्या ये यहां बैठते, बिना मेरे मन में मुझे बैराग हो गया इसका मतलब मोक्ष की इच्छा तो है, बैराग हो गया आप क्या करेंगे, तो मुझे मोक्ष जाना है, इसका मतलब मन में भाव आया मुझे संसार से छूटना है, तो बिना मोक्ष की इच्छा के हम दीक्षा लेंगे क्या, तीन काल में ले नहीं सकते, ठीक है ना। अब वहां कहां, जहां वो पांडव बैठे खड़े, पांचों मुनिराज और अग्नि के गहने पहना दिए पांचों को, तीन तो एकदम कुछ भी मन में भाव नहीं है, दो के मन में क्या आ गया, वहां पुण्य हे है, वहां शुभ भाव हे है, वहां की बात यहां लगा रहे बेचारे भोले भाले लोगों को कहा जा रहा है कि पुण्य हे है, भी मंदिर जाना छोड़ देंगे, क्या होगा उनका, सोचो तो। महाराज जी अभी भी बात कठिन लगी, और सरल कर देता हूं, आपको यहां से दिल्ली जाना है, ट्रेन मान लिया कि पुण्य है, ठीक है ना, आप ट्रेन में बैठे, जब तक ट्रेन में नहीं बैठोगे तब तक दिल्ली नहीं पहुंच सकते, जब तक ट्रेन से नहीं उतरोगे तब तक दिल्ली नहीं पहुंच सकते। महाराज जी क्या कह रहे हैं, बिल्कुल वही बात है, बहुत सरल भाषा में समझा रहे हैं, ट्रेन पुण्य है और आप ट्रेन में बैठ गए, दिल्ली जब तक नई दिल्ली स्टेशन नहीं आ जा रहा था तब तक आपको ट्रेन को छोड़ना नहीं, अंतिम समय तक 14वें गुणस्थान के वहां तक भी पुण्य का काम है, मनुष्य का उदय है, मनुष्य पुण्य प्रकृति है, जितनी प्रकृतियां अंतिम समय सब पुण्य प्रकृतियां हैं। अब महाराज जी दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली पहुंच गए, अब ट्रेन छोड़ दो, अगर आप ट्रेन में बैठे रहोगे तो सफाई करने वाला आएगा ना वो उतार देगा, नहीं तो और आगे जाने वाली ट्रेन होगी तो हिसार हरियाणा और हांसी पहुंच जाओगे, तो ट्रेन में बैठना अभी, लेकिन वहां जाके छोड़ देना, इच्छा तो अभी भी रखना, मुझे भी इच्छा है मोक्ष जाने की, कब तक, उस समय तक जहां पर अब वहां इच्छा भी नहीं रखना, अब तो आपको शुद्ध उपयोग में लीन हो जाना है, बस हो गया काम। इस कथन को, ऐसे कथन को तोड़ मड़ोड़ कर भोले भाले लोगों को ना समझी की बात की जा रही है, भोले भाले लोगों को फंसाया जा रहा है, बरगला। इसलिए वक्ताओं का कर्तव्य है पहले वे नयों का ज्ञान करें, फिर उसके बाद बोलें, किसी से द्वेष नहीं, दुख होता है क्योंकि हमारे गुरु जी जब बोलते देखो तो ये क्या समय आ गया है, कैसा बोला जा रहा है। कभी भी आप लोग भगवान की पुण्य संचय में कमी नहीं रखना, और पंचम काल में तो सातवें गुणस्थान के ऊपर की बात ही नहीं होती, तो जब यहां तो महान उपादेय है पुण्य, महान उपादेय है, इसलिए पुण्य का संचय करो, हम नहीं कह रहे, महाराज कह रहे ऐसा जानकर, हे गृहस्थ पुण्य का संचय करो। आप लोग पैसा कमाना चाहते हो, मैं पुनः कह रहा हूं, अगर पैसा ही मात्र कमाना है आपको, भगवान से मतलब नहीं मोक्ष, तो भी पुण्य कमाओ, पैसा आपके पीछे दौड़ लगाएगा, चक्कर काटेगा, कभी भी पुण्य को हे मत कहना, ठीक है ना। अब घड़ी में समय पूरा हो गया, लेकिन चूंकि आज जन्म कल्याणक का दिन है, आप लोग सुबह 6 बजे से हम लोग सुन रहे हैं, वहां हल्ला हो रहा था, महाराज ये लोग बोल रहे थे नगर में हो रहा हल्ला, मरु देवी के यहां हो गया लल्ला, ऐसा बोल रहे थे। तो चूंकि आज जन्म कल्याणक है, आप सभी बहुत प्रसन्न हैं, और तीर्थंकर प्रकृति जो उन्होंने बांधी थी, जिसका अभी उदय 13वें गुणस्थान में आता है, अभी तो उसकी प्रकृति का भूमिका चल रही है, समझ लो उसके उदय की, इसलिए ये कल्याणक माना जाता है। आपके जन्म को जन्म कहा जाता है, और भगवान के जन्म को जन्म, कल्याणक के रूप में देवता मनाते हैं और आप लोग भी मनाते हैं ऐसा। तो वो तीर्थंकर 93 नाम कर्म की प्रकृतियां हैं, उसमें सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति है तो तीर्थंकर प्रकृति, वो पुण्य प्रकृति का बंध भगवान ने किया, अब उसका उदय आने वाला है, इसकी भूमिका चल रही है। सारे ग्रंथों में कहा जाता है कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध
चतुर्थ गुणस्थान से लेकर आठवें गुणस्थान के छठे भाग तक होता है। ये तो हो गई एक बात। दूसरी, तीर्थंकर प्रकृति का बंद केवली श्रुत केवली के पादमूल में होता है, ये सबकी धारणा है। लेकिन हमारे गुरुदेव आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज का यह कहना है, तत्वार सूत्र उनकी टीकाओं में कहीं भी तीर्थंकर प्रकृति का बंद आज नहीं होता, इसका निषेध कहीं भी निषेध नहीं किया। मतलब उनकी मान्यता है कि आज भी उन भावों से 16 कारण भावनाएं पूरी अथवा कम, तीर्थंकर प्रकृति का बंद होने में कोई बाधा आज भी नहीं, ऐसे हमारे गुरुदेव की मान्यता है। और मैं तो कहता हूं आचार्य श्री के जो प्राणी मात्र के प्रति करुणा का भाव है, चाहे वो पशु हो, गायें हो, हथकरघा, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो, यहां तक कि जेल में जो आपराधिक पृथ्वी के लोग, उनके प्रति भी उनकी ऐसी भावना है कि सारे के सारे लोग, सबका कल्याण हो, केवल जैन नहीं सारे जैनितर, इन सबका कल्याण हो, चींटी से लेकर के हाथी तक के संपूर्ण जीवों का कल्याण हो, ऐसी भावना जब होती तब तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता। मेरी तो पूरी धारणा है कि गुरुदेव तीर्थंकर प्रकृति का बंद अभी भी कर रहे हैं। एक बात याद आ गई बड़ी जबरदस्त। आचार्य जी के पास एक पति पत्नी पहुंचे, बोले आचार्य जी, आचार्य को आप ऐसा मत मानना कि वो बहुत हंसते रहते हैं और कभी कभी तेज भी रहते हैं, ऐसा नहीं, गजब के उनका हृदय नवनीत जैसा है, हमने अनुभव किया। तो क्या बोले गुरु जी? बोलते हैं पति पत्नी पहुंचे, गुरु जी बेटा है, आप नामकरण कर दीजिए। गुरु जी मूड में थे, उस साइड में किया, धीरे से बोलते हैं उठाओ ले जाओ इसको, मैंने नामकरण कर दिया तो तुम्हारे किसी काम का नहीं रहेगा। ऐसे भी हैं गुरुजी, आप ऐसा मत समझना, बहुत उनका हृदय बहुत विशाल है। अब एक थोड़ा सा, आप लोग बहुत देर से हंस रहे हैं, थोड़ा सा आपको सोचने पर मजबूर करने के लिए एक दूसरी बात रखता हूं। एक पति पत्नी थे, बहुत ध्यान से सुनना, यदि इस बात को चौथे काल के श्रावकों को सुना दिया जाता तो आधे से ज्यादा दीक्षा ले लेते, घर नहीं जाते, जो मैं सुनाने वाला हूं। पति पत्नी थे, अचानक पति का देहावसान हो गया। 9 माह बाद उस पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। कुछ दिनों बाद पत्नी मुनिराज के पास गई, वे मुनिराज अवधि ज्ञानी थे। पूछा, महाराज 9 माह, ये मेरा पुत्र 2 माह का है, उसके 9 माह पहले इसके पिता गुजर गए, मैं स्वामिन केवल इतना पूछना चाहती हूं वो अभी किस गति में हैं, कहाँ हैं, त्रिरंच हैं, मनुष्य हैं, देव हैं अथवा नारकी हैं? मुनिराज ने अवधि ज्ञान लगाया और क्या बोलते, ध्यान से सुनना, हार्ट के मरीज हों तो ना सुने, जो आपका बेटा है यही तुम्हारा पति है। क्या कहा? उस पति का जीव मरकर उसी के गर्भ में पहुंच गया। इतना सुनने के बाद भी अगर आपको बैराग्य नहीं आता तो अब आपको संसार से विरक्ति और कुछ सुन के नहीं हो सकती। ये है संसार की वास्तविकता दशा। साइंस भी आज मानता है कि संयोग के 3 दिन बाद तक जीव गर्भ में आ सकता है, और हमारा वीतराग विज्ञान, जैनिज्म, जैन साइंस कहता है 8 दिन बाद भी जीव मरकर गर्भ में आ सकता है, ये हमारा कहते हैं। तो वे हमारे गुरुदेव तीर्थंकर बने, हम सब, आप सब भी उनके समोसरण में रहें, ऐसी हमारी भावना है। घड़ी बहुत आगे बढ़ गई, सीमा को पार कर गई, बहुत देर हो गई, आज तो मिठाई खाने का दिन है, हमने सोचा आप लोगों ने लड्डू खाए, हम लोगों को नहीं मिले, हम भी खाएंगे और खिलाएंगे भी। खाएंगे आप लोग? ठीक है, तो हम मिठाई के तौर पर अंत में आपके सामने कुछ रखते हैं। शीर्षक बनाया है जे गुरु, जे मतलब ये बुंदेलखंड में ये को जे बोलते हैं, ये गुरु 3 रतन के धारी, 3 रतन मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। हमारे गुरुदेव 3 रत्न के धारी, ऐसे अनमोल रत्न है कि पूरी सभा के जितने लोग हैं सारे अपनी संपत्ति को मिलाएं तो 1 रत्न की 1 कणिका को भी खरीद नहीं सकते, ऐसे अनमोल रत्न है ये गुरु 3 रतन के धारी। कौन गुरु? गुरुदेव आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज। रात दिनाने जा आत्म ध्यावे, महिमा परमात्म की गावे, मुक्ति की तैयारी, ये गुरु 3 रतन के धारी।
दिखने में तो सीधे साधे, आचार्य श्री बहुत सीधे साधे हैं ना, दिखने में मात्र, दिखने में तो सीधे साधे, देखो कहते करे ना वादे। आचार्य श्री हमारे चरगांव में पंचकलना खो रहा है, आप चलिए देखो। अब देखो का अनुभव वचन है, फंसते नहीं, पहुंच गए तो पहुंच गए, नहीं तो नहीं, झूठ भी नहीं बोला, सही भी नहीं बोला, अनुभव वचन। अच्छा सी हम चाहते हैं कि निर्यापक श्रवण योग सागर जी का चातुर्मास हमारे चरगांव में हो। हाँ देखो, ये सीधा सीधापन है ये। तो क्या कहा, दिखने में तो सीधे साधे, देखो कहते करे न वादे, जाए इनकी होशियारी, जे गुरु तीन रतन के धारी। जे सुनते हैं सबकी अर्जी, गुरुदेव के पास जो जाएगा सबकी सुन लेंगे, होगा क्या जो उनकी मर्जी होगी। जे सुनते हैं सबकी अर्जी, फिर होता जो उनकी मर्जी, इनसे दुनिया हारी, जे गुरु तीन रतन के धारी। सोच समझकर मन में ठाने, क्या ठानी बस बे ही जाने, इनकी लीला न्यारी, जे गुरु तीन रतन के धारी। तन पे कुछ ना नगन है काया, पीछे इनके जग की माया, ये अद्भुत अनगारी, ये गुरु तीन रतन के धारी। तप तपते हैं रात को दिन को, अच्छे खासे भय नहीं इनको, लग जाए उम्र हमारी, ये गुरु। अब मुख्य और जबरदस्त बात जो आज के इस पंचकल्याणक की नाक है, जन्म कल्याणक है आज, तीर्थंकर प्रकृति का, और हमने क्या कहा कि वो तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर रहे हैं। जब उदय में आएगा तो हम भी हों आप भी हों, हम ऐसी भावना भाते हैं। तो क्या 5 साल तक आचार्य महाराज मुनिराज रहे, उसके बाद 50 वर्ष हो गए लगभग, 4-5 साल रहे होंगे, जो भी हो, आचार्य पद का निर्वाह कर रहे हैं। पहले मुनिवन मुनिपद मैं रत, फिर आचार किया पावन पद, तीर्थंकर की बारी, जय गुरु तीन रतन के धारी। अहिंसा परमो धर्म की, परमोपकारी आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, निर्यापक श्रवण श्री योग सागर जी महाराज सत्संग की, समाधि पर राम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि, शिव शौक सिद्धि, चिंता मणिम चिंतित वस्तु दाने, त्वं वंद मानस सममास्तु देवी।